राम राम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और ब्रेड का चटपटा सा नाश्ता। ये जल्दी ही बन जाता है। देखिए, ये हमने लिए हैं 8 से 9 आलू लिए हैं और इनको हमने उबाल लिया है। उबाल कर फिर हमने छील लिया है और थोड़ी देर के लिए हमने इनको फ्रिज में रख दिया था। अभी हम इनको थोड़ा क्रश कर लेंगे और फिर इसमें कुछ मसाले मिला लेंगे। ये बहुत ही अच्छा नाश्ता बनता है, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। ये हमने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और कुछ मसाले डाल लेंगे फिर हो जाएंगे। ये हमने डाल लिया है थोड़ा सा हरा धनिया और ये हमने थोड़ा सा एक प्याज बारीक कटा हुआ। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज ना डालें। अभी हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। ये थोड़ा हरा काला नमक डाल दिया। जो अपने घर पे मसाले हो आप वो डालकर बना लें। थोड़ा सा चाट मसाला, चाट मसाला इसमें बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा सफेद नमक डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, तीखा आप जितना खाते हैं उतनी डालें। थोड़ा सूखा धनिया पिसा हुआ, आप चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला या सब्जी मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। बस जो आपके घर पे मसाले हो आप वही डाल ले। अब इनको हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। अब आप ऐसे ब्रेड लीजिए और ये हमारा मसाला तैयार होया हुआ। ऐसे ब्रेड पर लगाइए मसाला। जितना आप खाना पसंद करते हैं मसाला, ज़्यादा कम उतना आप लगा सकते हैं। ऐसे पूरी ब्रेड पर हमने मसाला लगा लिया है। अब इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए। आप इसे चाहे तो तवे पर थोड़ा हगी लगा कर उस पर भी सेक सकते हैं, आप पैन में भी सेक सकते हैं। और अब इसको ये देखिए, हमारा टोस्टर है, ऐसे रख देंगे, दोनों साइड में रख देंगे ना, एक साइड में रख के इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, एक ब्रेड पर और लगा कर दिखा देती हूँ मैं आपको। ऐसे ब्रेड पर मसाला लगाया और इसको ऐसे रख लिया और अब इसको हम सेक लेंगे। देखिए, आप इसको 2 मिनट सेक कर फिर खोल के देख लीजिए। हाँ देखिए, कितने बढ़िया सिक्कर तैयार हो गए हैं, एकदम से लाल लाल से अच्छा कलर आया है। अब हमको इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने प्लेट में निकाल लिया है। आप इसके ऊपर थोड़ा हगी लगा ले। वैसे आप सूखा खाना पसंद करते हैं बगैर घी का, तो बगैर घी का भी खा सकते हैं। घी लगा कर वैसे बहुत अच्छा लगता है ये। अब देखिए आप कितना अच्छा तैयार हो गया, ऊपर से कैसे करा रहा है ये देखिए। ये देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है और ऊपर से कितना क्रिस्पी है। अब ये हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया खाने के लिए, आलू ब्रेड का। आप भी ज़रूर बनाएं और जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।